पूरी दिल्ली के अंदर आज इतना बुरा हाल माहौल हो गया, इतना खराब माहौल हो गया है। हाथ में मोबाइल लेके चलो, कोई छीन के भाग जाएगा, पता नहीं चलता। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब, है ना? माँ बहनों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। माँ जी गलत तो नहीं कह रहा? पूरी दिल्ली के अंदर ऐसे लग रहा है जैसे जहां मर्जी गोलियां चल रही हैं। तो आप पूछोगे केजरीवाल जी फिर आप क्या कर रहे हो, पूछोगे ना? मैं बताता हूं आपको, आज से 10 साल पहले आप लोगों ने मेरे को वोट दिया, दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। आपने कहा केजरीवाल जी हमारे स्कूल ठीक करो। मैंने स्कूल ठीक करे नहीं करे? आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है? बच्चे आगे बढ़ के कोई डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर, मेरे को बड़ी खुशी होती है। गरीबों के बच्चे, रिक्शे वाले का बच्चा, मजदूर का बच्चा, सब्जी बेचने वाले का बच्चा, रेडी, हमारे बच्चे, गरीबों के बच्चे अब बड़े आदमी बनेंगे, बड़े होके बड़े आदमी बनेंगे। कई बच्चे इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, डॉक्टरी बन रहे हैं। आपने मेरे को वोट देके बोला केजरीवाल जी हमारी बिजली ठीक करो। अब बिजली जाती तो नहीं है, पहले जाया करती थी, याद है? 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे कांग्रेस के टाइम में। अब बिजली नहीं जाती, अब इन्वर्टर तो नहीं यूज करना पड़ता, जनरेटर तो नहीं है। अच्छा, जिस जिसका एक बार भी जीरो बिजली का बिल कभी भी आया वो हाथ खड़े कर दो। सबका आया, जिनका नहीं भी आया, बिजली बहुत सस्ती है दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में फोन करके पूछ लेना अपने रिश्तेदारों को, बिहार में फोन करके पूछ लेना, हजारों रुपए महीना का बिल आता है वहां पे। हम बड़े खुशकिस्मत हैं दिल्ली वाले जो इतनी सस्ती बिजली है। तो आपने कहा केजरीवाल जी आपको मुख्यमंत्री बना दिया, आप हमारी बिजली ठीक करो। मैंने बिजली ठीक कर दी। आपने मेरे को मुख्यमंत्री बनाया, आपने कहा हमारी दवाई का इंतजाम करो, बीमार हो जाए तो इलाज का इंतजाम करो। मैंने सरकारी अस्पताल ठीक कर दिए, मैंने जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सारा इलाज फ्री कर दिया सब लोगों का। गलत तो नहीं कह रहा जी? दिल्ली की सुरक्षा का इंतजाम आपने बीजेपी को दिया है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में नहीं आती। जब मैं मुख्यमंत्री था मेरे अंडर में नहीं आती थी, अब आतिशी जी मुख्यमंत्री हैं, आतिशी के अंडर में दिल्ली पुलिस नहीं आती। दिल्ली की कानून व्यवस्था हमारे अंडर में नहीं आती, किसके अंडर में आती है? अमित शाह जी के अंडर में। गृह मंत्री हैं वो, बीजेपी के हैं, बीजेपी के गृह मंत्री हैं, उनके अंडर में आती है। आज दिल्ली का इतना बुरा हाल हो गया, मैं उनसे कहना चाहता हूं जी कुछ तो करो। हम कोई ज्यादा थोड़ी मांग रहे हैं, हम अपनी सुरक्षा ही तो मांग रहे हैं। आदमी अपनी सेफ्टी नहीं मांगेगा, अपने बच्चों के, अपने परिवार की सुरक्षा नहीं मांगेगा तो और क्या मांगेगा? आपको एक ही जिम्मेदारी दी थी, बीजेपी वालों को एक ही जिम्मेदारी दी थी, वो भी उन्होंने काम ठीक से नहीं किया। पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया आज इन लोगों ने, सुरक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने।